हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट पेस्ट्री की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में लिया है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। अब इसमें डालूँगा मैं 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर। अब इसमें डालूँगा मैं 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे डाल सके तो डालें, नहीं तो ना डालें। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा और इसको मैं अच्छे से विस्क कर लूँगा, यानी इसे बीट कर लूँगा। तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लफी हो चुकी है। तो अगर आप बाउल को पलट कर देखें तो ये नहीं गिरेगी नीचे। तो अब स्पैचुला की सहायता से मैं इसके साइड्स को हटा लेता हूँ, इसको इकट्ठा कर लेता हूँ बीच में। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने 8 ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड लिया है। तो आज हम बनाएंगे 4 लेयर वाली पेस्ट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेड की इस तरह एक स्लाइस लेनी है और एक कैंची की सहायता से हमें इसके जो इसका ब्राउन एजेस है, यानी इसका ब्राउन किनारा है, इसको हमें काट कर हटा देना है। तो ज़्यादा नहीं हटाना है, बस इसका ब्राउन पार्ट है उसको ही हमें हटा देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके मैंने ब्राउन पार्ट को हटा दिया है। तो इसी तरह हमें सारी ब्रेड को प्रिपेयर कर लेना है, यानी तैयार कर लेना है इसके किनारों को हटाकर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने सारी ब्रेड्स के किनारों को हटाकर अलग कर लिया है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूंगा 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और इसमें डालूंगा मैं 3 टेबल स्पून ठंडा पानी और इसको मैं अच्छे से घोल लूँगा, यानी मिक्स कर लूँगा। तो हमारा शुगर सिरप है वो रेडी हो चुका है। तो पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने एक प्लेट, तो इस तरह चौड़ी प्लेट ले लें। अब इस पर रख दूंगा मैं 2 ब्रेड के स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस को मैंने रख दिया है नीचे। अब इस पर मैं लगाऊंगा थोड़ा सा शुगर सिरप। अब इस पर मैं व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करूंगा। तो इसकी मैं यहाँ पे एक पतली सी अच्छे से लेयर बना लूंगा इस पर। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगा। और इसको मैं ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर दूंगा। तो अब हम इस पर रखेंगे दूसरी ब्रेड की स्लाइस और इस पर भी हम लगाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप लगाने से क्या होता है, जब हम इसको काटेंगे बनने के बाद तो ये आसानी से कट जाएगा। अब इस पर हम लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम और इसी सेम प्रोसेस में हम सारे लेयर्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 लेयर वाली पेस्ट्री बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी सारी लेयर है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैंने स्मूथ कर लिया है। अब इस पर मैं लगा रहा हूँ थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम इसके किनारों पर और इस पेस्ट्री को हम पूरा कवर कर देंगे और इसको मैं स्मूथ कर दूंगा चारों तरफ से इस स्पैचुला की सहायता से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से स्मूथ कर दिया है। तो दोस्तों, अब इसके नीचे जो एक्स्ट्रा व्हिपिंग क्रीम लगी है इसको हम हटा देंगे, यानी क्लीन कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने स्क्रैपर लिया है, तो स्क्रैपर की सहायता से मैं इस पर इस तरह किनारों पर डिज़ाइन बना दूंगा। चारों तरफ मैं इसके डिज़ाइन बना दूंगा इस तरह और इसकी एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसको हटा दूंगा। तो दोस्तों, इस पर मैंने डिज़ाइन बना दिया। अब यहाँ पे लिए मेल्टेड चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी दूध के साथ चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, उसको ठंडा कर लिया है। वह ठंडी ठंडी चॉकलेट मैं इस केक के ऊपर डाल दूंगा। तो ध्यान रहे हमारी चॉकलेट है वो ज़्यादा मेल्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको मैं इस तरह स्प्रेड कर दूंगा केक के ऊपर।
तो दोस्तों अभी मैंने छोटी सी बोतल में इस तरह मैंने चॉकलेट भर लिया है। अब इसके किनारों पर मैं इस तरह डिज़ाइन बना दूंगा। तो दोस्तों अभी पाइपिंग बैग में स्टार नोजल के साथ मैंने व्हिपिंग क्रीम को भर लिया है। अब इस पर मैं इस तरह डिज़ाइन बना दूंगा इसके ऊपर। और इसके बीच में मैं बना दूंगा इस तरह छोटे से फ्लावर। तो दोस्तों हमारी चॉकलेट वनीला पेस्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब मैं इसको काट कर दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रही है हमारी पेस्ट्री, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब एक स्लाइस को मैं प्लेट में रख दूंगा और मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं।